के सबसे पहले सैनिक के तौर पर वीरवर मैगर सिंह थे, जिन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ाई लड़ी। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में इस गांव से 21 लोग सेना के शहीद हुए। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भी सैकड़ों की संख्या में सैनिकों ने अपनी कुर्बानी दी। तब से लेकर आज तक, चाहे चाइना वॉर हो, चाहे पाकिस्तान के साथ वॉर हो, हमेशा सैनिकों ने देश की सेवा में जरूरत पड़ी तो अपनी जान की भी कुर्बानी दी। इस गांव में लगभग एक्टिव सर्विस में 20,000 के लगभग लोग देश की विभिन्न सशस्त्र बलों में कार्यरत हैं, और मुझे अंदाजे से 10,000 कम से कम पूर्व सैनिक इस गांव में अकेले ही। सबसे बड़ी बात है कि कई परिवार हैं जिनमें चार चार पीढ़ियों से लोग सेना में ही कार्य करते रहे। मैं खुद, मेरे पिताजी और दादाजी दोनों इंडियन आर्मी में थे, और मेरे परिवार में भी 100 साल से लगभग सेना में कार्य। गहमर का इतिहास सेना से जुड़ा हुआ है। हजारों लोग वर्तमान में अभी सेना में नौकरी कर रहे हैं, हजारों की संख्या में रिटायर्ड हैं। इसलिए इस गांव को, इस पूर्वांचल के इलाके में सेना बाहुल गांव कहा जाता है। और हमारे घर के या परिवार के या मेरे गांव के बच्चों को सैनिक बहुत पसंद है, और उसी में जाने की सबकी इच्छा रहती है, देश सेवा करने की क्षमता रहती है।